नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 64वां भाग है। हमने पुनर्जागरण काल पढ़ा। अब हम 18वीं शताब्दी के जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सामान्य जानकारियाँ लेंगे। उसके बाद में जो शास्त्रीय काल, आधुनिक शास्त्रीय काल भूगोल का कहा जाता है, यानी 18वीं से 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से भूगोल का विकास हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी। उसके बाद में 19वीं शताब्दी, विशेषतः हम्बोल्ट है, रिटर है, रेटजेल है, इन भूगोलवेताओं के योगदान के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, भूगोल विषय की जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल में प्रशस्त हुई थी, लेकिन अगर आधुनिक काल, आधुनिक भूगोल की बात करें तो इसका जड़ें तो क्या है, प्राचीन, लेकिन आधुनिक भूगोल की अगर हम बात करें तो ये 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के शताब्दी में इसका उद्भव हुआ, यानी आधुनिक भूगोल जो है उसका विकास एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भूगोल या विज्ञान के रूप में इसकी स्थापना है वो 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में संभव हो पाई थी, भूगोल की, आधुनिक भूगोल की स्थापना एक विज्ञान के रूप में, एक आधुनिक विषय के रूप में इसकी स्थापना है वो 18वीं से 19वीं शताब्दी में हो पाई थी। विशेषतः 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक युग है उसमें जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान आधुनिक भूगोल की स्थापना में रहा, जिसमें हम्बोल्ट और रिटर का योगदान है वो सर्वाधिक माना जाता है। आधुनिक भूगोल की स्थापना में हम्बोल्ट और रिटर, इनका योगदान है वो सर्वाधिक माना जाता है। इन्होंने आधुनिक भूगोल की स्थापना की, आधुनिक भूगोल को आगे बढ़ाने का प्रयास है वो इनके द्वारा किया गया। 18वीं शताब्दी के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके निर्माणकारी में समस्त प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया, उनके द्वारा स्थानिक, प्रादेशिक एवं विश्व के ज्ञान के प्रयास, यानी विश्व का ज्ञान प्राप्त करने की, विश्व का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है वो प्रारंभ हो गया था 18वीं शताब्दी से हम कह सकते हैं। यानी प्रारंभिक जो विद्वान थे इसमें जैसे फ्रेडरिक बुस्टिंग है, क्रिस्टोफर गाटेरर है, रिनहोल्ड फॉरेस्टर है, जॉर्ज फॉरेस्टर है, इमैनुअल कांट है, उनका योगदान है वो इस विषय में अधिक रहा। प्रारंभिक स्तर पर इनके द्वारा भूगोल का विकास करने का प्रयास है वो किया गया था। इसके बाद जैसे कि 18वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके जो निवासियाँ, उनका निवासी हैं उनका ज्ञान है वो थोड़ा समृद्ध एक प्रकार से हो गया था, विकास उसका हो गया था और भूगोल ने विश्व भूगोल का रूप है वो धारण कर लिया था। विश्व भूगोल, यहाँ से विश्व भूगोल का अध्ययन है वो प्रारंभ हो जाता है। वैश्विक स्तर पर भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विभिन्न विद्वानों ने विश्व के विभिन्न देशों की, विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक भूगोल का यहाँ पर लेखन प्रारंभ हुआ उसको किसकी संज्ञा दी गई, विश्व भूगोल। ये क्या था वास्तविकता में, वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ था, यहाँ से वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ होता है। यानी 17वीं शताब्दी में ही जो वैश्विक ज्ञान था, यानी विभिन्न विद्वानों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो भौगोलिक ज्ञान है उसको समृद्ध करने का प्रयास वो प्रारंभ किया, जिससे क्या है, वैज्ञानिक भूगोल का प्रारंभ हुआ, जिसको किसकी संज्ञा दी गई, विश्व भूगोल की संज्ञा दी गई। यानी विश्व स्तर पर यहाँ पर क्या, भूगोल का एक नवीन शाखा के रूप में एक वैज्ञानिक अध्ययन है वो प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भूगोल का प्रारंभ है वो 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य, 18वीं से 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक भूगोल का या भूगोल का प्रारंभ हुआ था। अब इसके प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं में, यानी स्थापना की बात करें, वास्तविक में आधुनिक भूगोल की जो स्थापना है उसमें तो हम्बोल्ट और रिटर का योगदान है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण
माना जाता है। उससे पहले कुछ भूगोलवेत्ता है जैसे एंटन फ्रेडरिक बुस्चिंग है, जिनके द्वारा यूरोप का भूगोल लिखा गया 1792 में। फ्रेडरिक बुस्चिंग, एंटन फ्रेडरिक बुस्चिंग, इनके द्वारा 1792 में यूरोप का भूगोल लिखा गया, जो कि 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो इस समय से क्या है, भूगोल के हम आधुनिक भूगोल की जड़ें हैं वो एक प्रकार से प्रारंभ हो गई थी, यानी आधुनिक भूगोल में नवीन भूगोल का लेखन जो कार्य है वो एक प्रकार से प्रारंभ हो गया कह सकते हैं। 1792 में 6 खंडों में इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो कि यूरोप का भूगोल नाम से प्रकाशित हुआ था। इसमें यूरोप के का भूगोल और जो राजनीतिक इकाइयां थीं यूरोप की, उनके आधार बताए गए हैं, यानी यूरोप के भूगोल का वर्णन है वो विस्तृत रूप से इसमें किया गया है। इसके अलावा यूरोप की जो राजनीतिक इकाइयां हैं उनके आधार की भी चर्चा इसके अंदर की गई है। इसमें जनसंख्या घनत्व को भौगोलिक कारक के रूप में सबसे पहले बुस्चिंग के द्वारा ही एक प्रकार से परिभाषित किया गया था। जनसंख्या घनत्व का भौगोलिक वर्णन सर्वप्रथम इनके द्वारा किया गया था। तो ये इस प्रकार से यूरोप से संबंधित इनके द्वारा बहुत सी जानकारियां हैं वो दी गई। इसके बाद दूसरे जो विद्वान आते हैं, क्रिस्टाफ गाटेरर, जिनके द्वारा संक्षिप्त भूगोल 1775 में लिखी गई थी। संक्षिप्त भूगोल क्रिस्टाफ गाटेरर, ये 18वीं-19वीं शताब्दी के भूगोलवेताओं का संक्षिप्त परिचय हम एक प्रकार से पढ़ते हैं। क्रिस्टाफ गाटेरर 1775 में इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, एक संक्षिप्त भूगोल। तो यहाँ से भूगोल का अध्ययन है वो इन कुछ से विद्वानों का योगदान है वो महत्वपूर्ण इनमें रहता है। इनका 1727 से 1799 के बीच में इनके द्वारा अपना भौगोलिक योगदान है वो एक प्रकार से दिया गया। गाटेरर ने प्राकृतिक सीमाओं जैसे पर्वत श्रेणी है, नदी घाटी है आदि के आधार पर विश्व को प्राकृतिक विभागों में इनके द्वारा विभक्त किया गया था। प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर, प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर विश्व को भौगोलिक विभागों में विभक्त किया था। प्राकृतिक सीमाएं यानी नदी है, पर्वत है, घाटी है, ये प्राकृतिक सीमाएं हैं जिनके आधार पर इन्होंने विश्व को अलग अलग भौगोलिक विभागों में इनके द्वारा बांटा गया था। प्राकृतिक विभागों में अलग अलग इनके द्वारा बांटा गया था। तो इस प्रकार से मौलिक इकाइयों के रूप में इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करने की बात कही, तो वो इस प्रकार से रियन जियोग्राफी या हम ये कह सकते हैं शुद्ध भूगोल के समर्थक थे। ये क्या थे? शुद्ध भूगोल के समर्थक थे। ये विश्व को प्राकृतिक इकाइयों में विभाजित करके उसको आधार रूप मान करके अध्ययन करने पर बल देते थे, यानी भौगोलिक अध्ययन की मौलिक इकाइयों के रूप में किसका प्रयोग करने की बात कहते थे? ये प्राकृतिक प्रदेशों को। तो प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक अध्ययन की मूल इकाई मानते थे ये, इसलिए क्या थे? ये शुद्ध भूगोल के समर्थक थे, यानी भूगोल का शुद्धतम अध्ययन करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा रिनहोल्ड फॉरेस्टर हैं, जिन्होंने पृथ्वी, भूमि, जल, महासागर, वायुमंडल, ग्लोब, वनस्पतियां, पशु पक्षी, इनके बारे में विभिन्न जानकारियां हैं वो फॉरेस्टर के द्वारा लिखी गई अपनी पुस्तकों में। 6 खंडों में इनकी पुस्तक है वो प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन चीज़ों की अलग अलग जानकारियां हैं वो प्रदान की गई थी। इसके अलावा जॉर्ज फॉस्टर
राइन के निचले क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रमबद्ध भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान जॉर्ज फर्स्ट का था। जॉर्ज फॉरस्टर ये क्रमबद्ध भूगोल से संबंधित थे। क्रमबद्ध भूगोल में इनका योगदान है जॉर्ज फॉरस्टर का। और राइन के निचले क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन नाम से इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था। राइन के निचले क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन, ये इनका लेख प्रकाशित हुआ था। तो इसके अतिरिक्त अन्य जो भूगोलवेताओं में महत्वपूर्ण स्थान आता है, जो एक सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेता थे, वो थे इमैनुअल कांट। ये एक श्रेष्ठ दार्शनिक एवं भूगोलवेता हुए हैं इमैनुअल कांट। 1724 से 1804 इनका समय रहा है। ये एक महान दार्शनिक एवं भूगोलवेता हुए हैं। इनके द्वारा भूगोल में विभिन्न महत्वपूर्ण योगदान दिए गए, खगोल विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में, इसके अलावा भौतिक भूगोल में। इनके द्वारा बहुत सारी जानकारियां हैं, वो बहुत सारी एक प्रकार से भौगोलिक वर्णन भी इनके द्वारा किए गए हैं। विशेषतः हम कह सकते हैं खगोल विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने जो पूर्ववर्ती धर्म बंधन थे उनसे मुक्त होकर के एक सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार है वो भूगोल को प्रदान किया था। वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, यहाँ से भूगोल का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं वैज्ञानिक आधार है वो इमैनुअल कांट के द्वारा भूगोल को प्रदान किया गया था। इनको आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता यानी आराम चेयर फिलोसफर ज्योग्राफर इनको कहा जाता है। आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता इमैनुअल कांट क्या कहलाते हैं? आराम कुर्सी वाले दार्शनिक भूगोलवेता इमैनुअल कांट को कहा जाता है। आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता यानी यात्रा वृत्तांत या यात्राओं में इनका विशेष योगदान, इनकी विशेष रुचि नहीं थी यानी यात्राएं इनके द्वारा नहीं की गई थी, भौगोलिक यात्राएं नहीं करके ये सिर्फ अपना अध्ययन है वो अनुभाविक तथ्यों पर नैयोगिक सैद्धांतिक भूगोलवेता थे ये, जिन्होंने क्या है अपने विभिन्न यात्राओं के माध्यम से इनके द्वारा ये जानकारियां हैं या किसी क्षेत्र से संबंधित जानकारियां हैं वो नहीं प्राप्त की गई यानी यात्राएं इनके द्वारा नहीं की गई थी इन इमैनुअल कांट के द्वारा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये यात्राएं इनके द्वारा नहीं की गई, आराम कुर्सी वाले भूगोलवेता थे, सैद्धांतिक थे ये। इसके अलावा इनकी जो विशेषतः रुचि थी वो भौतिक भूगोल में थी। इमैनुअल कांट मुख्यतः किससे संबंधित थे? भौतिक भूगोल से संबंधित। भौतिक भूगोल में इनकी विशेष रुचि थी।
भौतिक भूगोल में प्राकृतिक अध्ययन, इसके अतिरिक्त भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करना, इसके अलावा प्रजातियों का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया था, लेकिन विशेषतः रुचि इनकी किसमें थी, भौतिक भूगोल में इनकी रुचि थी। तो इस प्रकार इन्होंने मानव प्रजातियों, पृथ्वी की जो भौतिक क्रियाएं हैं और प्राकृतिक अवस्थाओं को इसमें समाहित इन्होंने किया था। कांट ने भूगोल विज्ञान की तुलना एक वर्णात्मक या वर्गीकृत विषय इसको बताया था, यानी भूगोल को विज्ञान की तुलना में एक वर्गीकृत विषय बताया, जिसके लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, कैरोग्राफी। कैरोग्राफी शब्द का प्रयोग है वो इनके द्वारा भूगोल के लिए किया गया था, या कोरोग्राफी जिसको हम कह सकते हैं, इसको वर्णनात्मक या वर्गीकरण विज्ञान विषय इन्होंने बताया था, जिसका अर्थ ये जो कोरोग्राफी शब्द है, कैरोग्राफी नहीं सॉरी कोरोग्राफी सी कोरोग्राफी ये शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, इमैनुअल कांट के द्वारा, यानी विज्ञान की तुलना में एक वर्गीकृत या हम ये कह सकते हैं वर्णनात्मक विषय इन्होंने भूगोल को माना था। कोरोग्राफी शब्द का अर्थ जिसका वर्णनात्मक, भूगोल इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इस प्रकार ये भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय न मान करके विशेषतः क्या मानते थे, यानी विज्ञान विषय की तुलना में एक वर्णनात्मक विज्ञान या वर्णनात्मक विषय इसको मानते थे। इन्होंने भूगोल और इतिहास की तुलना करते हुए कहा था कि भूगोल है वो सभी समय में रहा है, यानी प्रत्येक समय में भूगोल कुछ न कुछ उसकी चीज़ें अवश्य रही हैं, भूगोल है वो प्रत्येक समय में रहा है और इतिहास इसके अध्ययन का क्या है, आधार है, यानी इतिहास के आधार पर हम प्रत्येक समय में भूगोल का अध्ययन है वो कर सकते हैं। कांट के अनुसार विश्व ज्ञान के प्रथम चरण में सबसे पहले में भौतिक भूगोल को समझने का प्रयास करना चाहिए, यानी भौतिक भूगोल एक ऐसा विषय है जो प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यानी सर्वप्रथम विश्व ज्ञान में हमें सर्वप्रथम भौतिक भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। ये क्या करता है, प्रकृति के अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यानी प्राकृतिक अध्ययन की रूपरेखा है वो किसके द्वारा मानते हैं, ये भौतिक भूगोल के द्वारा ही मानते हैं। तो इन्होंने इसके अतिरिक्त विशेषतः भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन है वो मानव ग्रह के रूप में किया जाता है, ऐसा इनका मानना था कि पृथ्वी का अध्ययन है वो हमें मानव के ग्रह के रूप में या मानव ग्रह के रूप में करना चाहिए। इन्होंने विभिन्न जो रूप बताए हैं या भूगोल का जो वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया, सबसे पहले भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में इन्होंने भूतल की समस्त शाखाओं का आधार भौतिक भूगोल को बताया, प्राकृतिक अध्ययन का आधार भी इन्होंने बताया। भूगोल का वर्गीकरण किस किस में किया, एक तो प्राकृतिक भूगोल सॉरी भौतिक भूगोल, सबसे पहले भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाना चाहिए ऐसा इनका मानना था। भौतिक भूगोल है वो एक तो प्राकृतिक, इसमें प्रकृति अध्ययन होना, और इसके अलावा ये भूगोल की जो समस्त शाखाएं हैं उसका क्या है, आधार है। तो सबसे पहली बात इनके द्वारा ये कही गई कि प्रकृति का अध्ययन किया जाना चाहिए सबसे पहले, और विषय का ये प्रधान एवं अनिवार्य विषय है, भूगोल की समस्त शाखाओं का आधार क्या है, भौतिक भूगोल है, ऐसा मानना था इमैनुअल कांट का। भूगोल की समस्त शाखाओं का
आधार, एक तो ये भौतिक भूगोल। दूसरी शाखा इनके द्वारा जैसे गणितीय भूगोल है, इसके अलावा नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल है, धर्मपरक भूगोल है। गणितीय भूगोल में पृथ्वी की गुलाब आकृति मान करके उसके आकार, आकृति, गति आदि का अध्ययन करना गणितीय भूगोल है। गणितीय भूगोल दूसरी शाखा मानी, पृथ्वी की आकृति कैसे माननी है, गोलाब, उसके बाद उसकी गति, आकार आदि का अध्ययन करना। यानी गणितीय भूगोल का इन्होंने विषय क्या बताया, पृथ्वी के को गोलाब आकृति वाला मानते हुए एक आकाशीय पिंड मान करके उसके आकार, आकृति, गति आदि का अध्ययन करना। इसके बाद में नैतिक भूगोल, इन्होंने भूगोल की शाखा बताई, नैतिक भूगोल। नैतिक भूगोल में इन्होंने विशेषतः मानव समाज के ऊपर ध्यान दिया, यानी मानव समाज की जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, चरित्र हैं, सभ्यताएं हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, नैतिक भूगोल में। तो ये कह सकते हैं मानव समाज का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, नैतिक भूगोल में। मानव समाज की विभिन्न जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, सभ्यताएं हैं, चरित्र है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किस विषय में होना चाहिए, भूगोल की नैतिक भूगोल जो शाखा है उसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा चौथी जो शाखा इनके द्वारा बताई, राजनीतिक भूगोल। तो किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण में राजनीतिक इकाइयों का विकास होता है उसका अध्ययन है वो किसमें करना है, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का विषय क्या है, भौतिक पर्यावरण के आधार पर किस प्रकार राजनीतिक इकाइयों का विकास होता है, भौतिक पर्यावरण का राजनीतिक जो इकाई है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा जैसे नंबर 5 है वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल, इसमें व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार, सभी प्रकार के जो व्यापार का अध्ययन है वो किसमें किया जाना चाहिए, वाणिज्य भूगोल में। यानी इनके अनुसार वाणिज्य भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन है, इसमें यह विचार किया जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन किस देश में कम हो रहा है और किस देश में ज़्यादा हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि इसके कारण ही क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है, वस्तुओं का जो उत्पादन है उसमें असंतुलन होता है, तभी क्या है व्यापार की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा भूगोल की अंतिम शाखा इनके द्वारा जो बताई गई वह थी धर्मपरक भूगोल। धर्मपरक भूगोल विश्व के या पृथ्वी के जो या प्रकृति के जो विभिन्न पर्यावरण हैं उसमें किस प्रकार विभिन्न जो धार्मिक विश्वास हैं वो उत्पन्न हुए हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, और विभिन्न भागों में जो धार्मिक विश्वास पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनमें किस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने 6 शाखाएं भूगोल की बताई, भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल और धर्मपरक भूगोल। तो ये एक प्रकार से 18वीं शताब्दी के जो विशेषतः भूगोलवेत्ता रहे हैं, जिनमें हमने जिनकी जो विशेष उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ा। अब 19वीं शताब्दी विशेषतः अगले जो अध्याय हैं उनमें हम हम्बोल्ट, रीटर और रेटजेल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।